हेलो एवरीवन बच्चों, आज फिर से हमारा टॉपिक है मेटल एक्सिस डिफेक्ट। लेकिन अब हम पढ़ेंगे मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था बच्चों, लास्ट जो वीडियो था हमारा वो था मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी। डिफेक्ट प्रोड्यूस करना है, मेटल की एक्सिस करनी है, तो मेटल की एक्सिस बच्चों हम किस तरीके से कर सकते हैं दोबारा बताता हूँ। कल भी बताया था मैंने आपको, मेटल का मतलब होता है बच्चों, मेटल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। जिस पर पॉजिटिव चार्ज हो वो मेटल है। तो मेटल एक्सिस करने का मतलब ये है कि हमें पॉजिटिव चार्ज की एक्सिस करनी है। और पॉजिटिव चार्ज की बच्चों एक्सिस हमारी दो तरीके से हो सकती है। कौन कौन से तरीके हैं? एक तरीका तो हमारा है एनायन वैकेंसी, मतलब कि अगर हम नेगेटिव चार्ज को कम कर दें तब भी हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा, मतलब कि मेटल की एक्सिस हो जाएगी। और अगर हम एक्स्ट्रा कैटायन डाल दें, एक्स्ट्रा कैटायन का मतलब अगर हम पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा डाल दें तो भी क्या हो जाएगा बच्चों, मेटल की एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ने का मतलब है मेटल की एक्सिस हो जाना। तो कल जो हमने पढ़ा था उसमें हमने बच्चों एनायन की वैकेंसी करी थी, मतलब नेगेटिव चार्ज को कम करा था। आपने देखा था नॉर्मल लैटिस साइट में से एक एनायन नेगेटिव चार्ज वाला एटम मिस हो गया था, जिसकी जगह पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया था जिसको हमने एफ सेंटर बोला था। लेकिन आज हमें क्या करना है, आज हमें क्या करना है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट करना है ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन। एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से करना है हमें। और एक्स्ट्रा कैटायन आपको पता है बच्चों कैसे लाया जाएगा, वो हमें इसके अंदर सीखना है। तो ये बच्चों एक चीज़ और बताऊँ, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी हमारा जो सॉलिड होता है, इस तरीके से आपको ये सॉलिड नज़र आ रहा है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है, जो एक्स्ट्रा चीज़ होती है वो हमारी इंटरस्टिशियल साइट में आती है हमेशा। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या हुआ देखें जरा। इन दिस डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, मतलब जो एक्स्ट्रा कैटायन होगा, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें इस डिफेक्ट में एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ही लेके आना है, तो जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज होगा वो कहाँ चला जाएगा बच्चों, वो इंटरस्टिशियल साइट में चला जाएगा। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, एक्स्ट्रा चीज़ हमेशा ये जो जगह खाली इंटरस्टिशियल साइट में ही जाती है। ठीक है बच्चों, इसका सबसे कॉमन एग्जांपल हम व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, जब हम जिंक ऑक्साइड को ZnO को हीट करते हैं तो इसका जो एक्स्ट्रा कैटायन है Zn2 पॉजिटिव ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट। इसका जो एक्स्ट्रा जिंक पॉजिटिव है, आप देख सकते हैं ये Zn2 पॉजिटिव जो एक्स्ट्रा है बच्चों, वो क्या करता है, ये एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव क्या करता है, इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। और कौन सा डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि जब एक्स्ट्रा जिंक पॉजिटिव आ जाएगा तो हमारा अपने आप पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, मतलब मेटल की एक्सिस हो गई, तो डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब ये होता कैसे है बच्चों, वो मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें एक चीज़ हो रहा है बच्चों, ड्यू टू फ्री, इसको बताएंगे हम, जैसे बच्चों हमने जिंक ऑक्साइड को हीट करा, तो जिंक ऑक्साइड को हीट करने से ये बनता है हमारा Zn2 पॉजिटिव प्लस ऑक्सीजन 2 नेगेटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसको भी ऐसे समझेंगे, देखें जैसे हमारा जिंक ऑक्साइड है बच्चों, जिंक ऑक्साइड का मतलब Zn भी 1 है, ये ऊपर वाला ही लिख रहा हूँ मैं, और ऑक्सीजन भी 1 है, और हमने इस जिंक ऑक्साइड को हीट कराया स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा हीट करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा। तो थोड़ा सा हीट करने से क्या हुआ, जो ऑक्सीजन है बच्चों इसके अंदर, जिंक ऑक्साइड के अंदर आपको पता है गैस है, और गैस उड़ जाती है, जिंक हमारा मेटल है और ऑक्सीजन क्या है, गैस। तो जैसे ही हमने उसको हल्का सा हीट करा तो ऑक्सीजन बच्चों थोड़ी सी इसमें से उड़ गई। कितनी उड़ गई, हमने मान लिया, सपोज कर लिया कि 0.25 जो हमारी ऑक्सीजन है, ये वाली, ये जो 0.25 ऑक्सीजन है वो इसमें से रिमूव हो गई। और जब 0.25 ऑक्सीजन रिमूव हो गई, क्योंकि हमने थोड़ा सा हीट करा है, तो जिंक तो हमारा वन ही बचा, मेटल है, जिंक मेटल है, मेटल तो उड़ता नहीं कभी भी, तो जिंक तो हमारा यहाँ भी वन था बच्चों, और यहाँ भी क्या है, जिंक वन ही रहा। लेकिन ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन बच्चों हमारा, ऑक्सीजन अगर आप देखें तो ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर वन था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन कितना रह गया, 0.75 रह गया। क्यों रह गया 0.75, क्योंकि आप देख सकते हैं 0.25 ऑक्सीजन उड़ गया था, जो कि यहाँ पर बाहर निकाला हुआ दिखाया हुआ हमने। तो अब इस कंपाउंड के अंदर आप देखें बच्चों, जिसके अंदर जिंक तो हमारा वन रहा और ऑक्सीजन 0.75 रहा, इसके अंदर क्या है, मेटल की एक्सिस है। जिंक वन है, मतलब मेटल वन है, और ऑक्सीजन गैस है जो नॉन मेटल है, जो वो कितनी है, 0.75। तो ज़्यादा कौन है, जिंक ज़्यादा है ऑक्सीजन से, थोड़ा सा ज़्यादा है। तो इसका मतलब इसमें क्या प्रोड्यूस हो गया बच्चों, मेटल की एक्सिस हो गई। तो डिफेक्ट कौन सा प्रोड्यूस हो गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया। अब इसमें आप देखें बच्चों, जिंक कितना ज़्यादा है, दोबारा बताता हूँ बच्चों, यहाँ पर जिंक हमारा कितना था,
वन था, ऑक्सीजन भी हमारा वन था, लेकिन जब इसको स्लाइटली हीट करा तो 0.2 फॉर वे ऑक्सीजन उड़ गया, ऑक्सीजन कितना रह गया 0.75 और जिंक हमारा वन ही रहा। ठीक है बच्चों, तो जिंक हमारा किससे ज़्यादा हो गया, ऑक्सीजन से ज़्यादा हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन से कितना ज़्यादा हुआ, ऑक्सीजन कितना है 0.75, तो 0.75 को ऑक्सीजन भी, जिंक भी कितना चाहिए 0.75 ही चाहिए, लेकिन यहाँ पर जिंक कितना है बच्चों 1 है, मतलब जिंक यहाँ पर ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है 0.25 ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन 0.75 है, जिंक हमारा कितना है 1, आप देख सकते हैं बच्चों ऑक्सीजन हमारा है 0.75 और जिंक कितना है पूरा एग्जैक्टली 1 है, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है 0.25 का डिफरेंस है, 0.25 जिंक ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा वाला जिंक है वो कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाएगा, और इंटरस्टिशियल साइट में आने का मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस हो गया, मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन। तो ये हमारा इसकी आप इसका डायग्राम देख सकते हैं बच्चों, बहुत ईजी डायग्राम है, मैंने बिल्कुल जिंक ऑक्साइड का स्ट्रक्चर जैसे बनना चाहिए था एग्जैक्टली वही बनाया हमने, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Zn2 पॉजिटिव ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर Zn2 पॉजिटिव के नीचे क्या आएगा ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फिर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव के नीचे क्या आएगा Zn2 पॉजिटिव, फिर Zn2 पॉजिटिव नीचे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के नीचे Zn2 पॉजिटिव, इसी तरीके से O2 नेगेटिव के नीचे Zn2 पॉजिटिव, फिर Zn2 पॉजिटिव के नीचे ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, लेकिन ये वाला जो बच्चों 0.25 जिंक जो एक्स्ट्रा बच गया था, जो मैंने बताया यहाँ पर कि जिंक कितना हो गया था 1 था, ऑक्सीजन 0.75 था, लेकिन उसको हीट करने पर जो हमारा 0.25 ऑक्सीजन जिंक जो हमारा फालतू बच रहा था वो कहाँ पर आ गया Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में इंटरस्टिशियल साइट में आ गया बच्चों, और क्या प्रोड्यूस हो गया इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन प्रोड्यूस हो गया। अब जब इसमें Zn2 पॉजिटिव आया बच्चों, जिंक किस में कन्वर्ट होकर आया है Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में आया है, तो जिंक में से 2 इलेक्ट्रॉन निकले होंगे तभी Zn2 पॉजिटिव बना होगा, तो यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन रहे इन 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाएगा बच्चों, इसमें कलर आ जाएगा। मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बता चुका हूँ कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से हमेशा किसी भी सॉलिड में किसी भी क्रिस्टल में कलर आता है, तो इसका मतलब जिंक ऑक्साइड कैसे कलर का हो जाता है बच्चों, येलो कलर का हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन, एक्स्ट्रा कैटायन की वजह से इसमें मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हो गया है, और जब मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ तो इसके अंदर जो Zn2 पॉजिटिव था एक्स्ट्रा वाला वो इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, और इसके Zn2 पॉजिटिव के जो 2 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि जिंक Zn2 पॉजिटिव जो बना है जो इंटरस्टिशियल साइट में आया है वो कैसे आया होगा, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के आया होगा भाई, जब Zn2 पॉजिटिव बनेगा बच्चों तो 2 इलेक्ट्रॉन तो निकलेंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं आपको, वो नियर बाय इंटरस्टिशियल साइट में दिखाई दे रहे हैं, और आपको पता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा क्या आ जाता है कलर आ जाता है और कंडक्टिविटी आ जाती है। तो ये हमारा बच्चों डिफेक्ट हो गया मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, इसके अंदर जिंक ऑक्साइड को हीट करने पर येलो कलर आ जाता है, ये इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है, और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा Zn2 पॉजिटिव बनता है जो जब जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं वो इंटरस्टिशियल साइट में आ जाता है, और इन इलेक्ट्रॉन की वजह से हमेशा आपको पता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या आ जाता है कलर आ जाता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे आता है बच्चों एग्जाम में कि व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड, जिंक ऑक्साइड को हीट करते हैं तो क्या होता है, आप बताओ कि इट बिकम्स येलो इन कलर बिकॉज ऑफ मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू द एक्स्ट्रा कैटायन। और एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि व्हाई जिंक ऑक्साइड बिकम्स येलो इन कलर, तो आप बताओगे व्हेन जिंक ऑक्साइड इज हीटेड इट प्रोड्यूस द मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू विच इट बिकम्स येल्लो इन कलर। ठीक है बच्चों, अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई कंसेप्ट समझ में ना आया हो इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आपको आंसर उसका ज़रूर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।